को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों ये कीर्तन जो चल रहा है और आपको अच्छा लगा ये आज छपा कुछ कुछ शब्दों को बदल दिया गया। मेरे साथ शामिल शांत मिल बच्चे तेरी चौकट पे सर रख दिया है पार भव से लगाना पड़ेगा। बड़े प्रेम से ओ तेरी चौकट पे सर रख दिया है पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरे कारण ये जग बिसराया अब तुझको ही मन में बताया। बहुत अच्छे मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। मैं हाय बड़े प्रेम से ओ मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। हाय तेरी चौकट पे सर रख दिया है पार बल से लगाना पड़ेगा। तेरा एहसान भुला नहीं सकते गीता सुनते ही सब दुख टलते। तेरा एहसान भुला नहीं सकते गीता सुनते ही सब दुख टलते। तेरी गीता में ज्ञान भरा है हमारे मन में बताना पड़ेगा। तेरी गीता में हमारे मन में बसाना तेरी गीता में ज्ञान भरा है मारे मन में बसाना पड़ेगा। है बहुत अच्छे आए तेरी चौकट पे सर रख दिया है पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी तू सचमुच बड़ा है कृपालु तू कृपा का घर गए दयालु। हाय हाय तू सचमुच बड़ा है कृपालु तू कृपा का घर गए दयालु। तू
अपनी कृपा की दृष्टि कीजे, वर्द गस्त उठाना पड़ेगा। अपनी कृपा की आए, अपनी कृपा की दृष्टि कीजे, वर्द गस्त उठाना पड़ेगा। ओ तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी गीता ने मस्त बनाया, तेरे चरणों से मन को लगाया। बहुत अच्छे, ओ तेरी गीता ने मस्त बनाया, तेरे चरणों से मन को लगाया। चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। है बहुत अच्छे, चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वो तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी गीता में वैदा निराला, बड़ा रोचक प्यारा है आला। तेरी गीता में वैदा निराला, बड़ा रोचक प्यारा है आला। है मनोवांछित फल देने वाला, वही वचन निभाना पड़ेगा। मनोवांछित फल देने वाला, वही वचन निभाना पड़ेगा। ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। सुन ले मेरी पुकार मेरे श्याम जी, मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। सुन ले मेरी पुकार मेरे श्याम जी, ओ मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। है दिल बे आहा, दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा।
ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भवते लगाना पड़ेगा। मेरी जीवन नया है पुरानी, ये दर्द भरी है कहानी। हाय ओ मेरी जीवन नया है पुरानी, ये दर्द भरी है कहानी। भव सागर में ये डगमगाए, चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा है। भव अरे भव सागर में ये डगमगाए, चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा। ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भरते लगाना पड़ेगा। हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद। अभाग्यशाली कल्याण कामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। कल आप द्वारा एक प्रश्न जारी किया गया, जाप क्या, क्यों और कैसे, बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए, बड़ा जरूरी। इसी को भगवान ने इन शब्दों में कह दिया, सदा मेरा पेख हूं जिसे ध्यान है। अंतर्धुन हमारे से जाप नहीं होता। आजकल की पढ़ाई ने कुछ बुद्धि का विकास कर दिया और उस बुद्धि में वाई, क्यों, कैसे, ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकते। उनका पहले हम भली प्रकार समाधान कर ले, फिर हमें मन को समझाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही प्रभु के चिंतन में लग जाता है। हमने जाना भगवान जी के अत्यंत प्रिय एवं महामंत्र का बार बार दोहराना, इसी को जाप कहती हैं। अगर ये मानसिक हो जाए तो बहुत ही अच्छा। पहले ये मौखिक होता है, अच्छा, फिर कंठ में रहता है, अच्छा, और तीसरा है उत्तम जाप अपने मन में चले। पहले तो बार सुनाई देता है, धीरे धीरे करके बोलती हैं, फिर कंठ में शुरू हो जाता है, सुनाई नहीं देता, अपने दोनों लब बंद रहती हैं। तीसरा जाप है अगर काफी अभ्यास हो जाए तो मानसिक जाप। मौखिक जाप से मानसिक जाप का बहुत बड़ा लाभ है। जैसे आप देखती जा रही हैं, अब ये तो क्या हो गया, क्यों, इसलिए कि एक भगवान की सत्ता रहने वाली है, बाकी सब चीजें जा रही है, तो आप बड़ी जल्दी बिठा लो वरना साधना अधूरी रह जाएगी। आप तरक्की नहीं कर सकेंगे मेरी देवियों जब तक मन हमारा इधर उधर भागता रहता है, ना वो जाप है, ना वो भजन है, ना वो तप है, वो एक पखंड बन जाता है। हमारे प्रभु जी उसे अच्छा नहीं मानते, उसे पराग गंदा दिल कहते हैं और मक्कार कहते हैं। आप बली प्रकार जानते हैं कर्म योग के अंदर भगवान ने अच्छा नहीं कहा, इसलिए हम लोग मन को समझा क्यों ले। मन ने कुछ ना कुछ विचार करना है, ये मन का स्वभाव है। हाँ, और वो शक्ल देख के विचार करता है, बिना शक्ल के मन नहीं जाता, मन साकार में जाता है, निराकार में नहीं। मन की गति विद फॉर्म है, विदाउट फॉर्म नहीं। जिस बात को पहले सुना ना हो, देखा ना हो, मन जाएगा ही। अच्छा चलो, देखा भी है, सुना भी है, जब तक एक बात और ना करे, क्या ये सुखदाई है, ये वस्तु रहने वाली है, सुखदाई है, अब मन जाएगा। उससे पहले मन नहीं जाती। दुनिया में तो कई चीजें हम देखती हैं, सुनती हैं, हाँ, लेकिन हर एक में मन थोड़ा जाता है, केवल उसी में जाता है सजनों मेरे देवियों जिसको आपने सुखदाई कहा। सुखदाई कहा नहीं और आप मरे नहीं,
क्योंकि मन को तो सुख चाहिए, जितना सुख हमें पहले मिला हुआ है उसमें तृप्ति नहीं होती, उसमें हमारा मन खुश नहीं है, तृप्त नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ये जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक मन जरूर प्राणी पदार्थों का संग्रह करेगा, ये मन का स्वाभाविक आदत बनी हुई है, जाएगा जरूर, रोकना चाहो तो आपकी गलती है, वो जाएगा। इसलिए क्यों ना हम युक्ति से मन को मना ले, जाए लेकिन उस वस्तु में जाए जिससे तृप्ति हो जाए। सुना गौर से भगवान जी ने क्या कहा, उसमें जाए जिससे तृप्ति हो जाए, बिल्कुल उसमें जाए, फिर किसी और चिंतन करने की जरूरत न रहे। जैसे मेरी सियाणी बेटियां देख दू के शादी कर ले, अब सारी जिंदगी इसके साथ काट लो, अच्छा नहीं लगता, पति बदलते रहना, पत्नियां बदलते रहना, पहले सोच विचार करके, आदत देख के, स्वभाव देख करके उन्हें अपना बना लो, पहले आप तो फिर बार बार हमारा मन भटकेगा नहीं। इसलिए पहले ही हम अपने मन को समझा दिया करें, और याद रखिए फिर हमारा मन भटकेगा नहीं, जाएगा नहीं, डोलेगा नहीं, और उसी में ही लगा रहेगा। हम एक बात करें, मन को समझाइए जैसे अबोध बच्चे को समझाते हैं, मनवाई इसी इन्हीं भगवान से तृप्ति हो जाएगी, किसी और कामना वास्ते तुझे जरूरत नहीं रहेगी, सदा रहने वाला सुख मिल जाएगा, आवागमन से तो छूट जाएगा। यह अनेकों बार बिठाओ जब तक कोई और संकल्प होता है, याद रखो देवियों, जब कोई और संकल्प होता है तो इसी को बार बार बिठाओ, इसी को बार बार बिठाओ कि तेरे मेरे मनवा तेरा कल्याण ही चीन है, तेरी भलाई और बेहतरी ही चीन है, बार बेड़ा पार। जब आपने ये बात बिठाई कि मेरा कल्याण ही चीन है, बिठाइए बात है, आपको हजार बार कहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमने मना लेना, यही तरीका बताया भगवान ने, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती कला। दिस प्रैक्टिस, जो ये प्रैक्टिस है हमारी, लगातार जारी रहे जब तक मन कोई और संकल्प करना बंद नहीं कर देता। बड़ा अच्छा तरीका जी, अजमाओ, अजमाए बैठा हूं, आप भी अजमा लो। आप क्यों, क्योंकि मन का स्वभाव है कुछ विचार करना, सोचना, तो यही क्यों ना किया, जैसे बच्चे का स्वभाव कुछ सोचना, कुछ खाना होता है, हर समय वो आपका दूध पीता है, फिर आप वो लगा देती हैं रबड़ की मुंह के अंदर, तो उसको आदत पड़ गई, चूसने की आदत पड़ गई। इसलिए अगर आप नहीं देते, अब चूसनी बंद कर दी, कई डॉक्टर रोकती हैं कि नुकसान हो जाता है, कुछ समय तक चूसनी ठीक है, लेकिन हर समय चूसनी नहीं, लेकिन बच्चे को खाने के स्वभाव मिट्टी खाने शुरू कर देगा। इसलिए उसकी दो जेबें लगाओ, और उसमें एक में बिस्किट, एक में बिस्किट के टुकड़े एक में डाल दो, और एक में बर्फी डाल दो, बर्फी छोटी छोटी टुकड़े डाल दो, अब वो अपना हाथ यूं मारता रहेगा, अब वो मिट्टी की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, कोलों की तरफ ध्यान ही देगा, वरना बच्चे का पेट बहुत गंदा हो जाएगा। इसे ये साने कहते हैं, उसमें जो डर छोटी टुकड़ियां जेब के अंदर। इस तरह मन कुछ विचार करना है ना, विचार करने का आदि है, तो मन को समझाए, प्रभु चिंतन में ही तेरा कल्याण है, संसार के चिंतन में राग द्वेष पैदा हो जाता है। बिल्कुल जैसे आप अबोध बच्चे को वाला से इमेच्योर को समझाते हैं, भगवान की कसम इसी तरह इस अबोध मन को समझाना पड़ेगा। अगर ये बोधवान होता कभी संसार का चिंतन करता, इस नलायक को ये नहीं पता लगा संसार का हर प्राणी पदार्थ जा रहा है, जो चीज जा रही है वो दुखदायी होती है, है। ये एक नियम जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने बताया, अनित्यम असुखम, जो चीज जाने वाली है वो दुख देगी आपको जरूर, चूंकि उसे परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आपके अनुकूल नहीं होगा। इतनी बात समझा, व्यवहार कीजिए, पिताजी है, माँ जी है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, भगवान कहां करते छोड़ दो, इससे व्यवहार करो, लेकिन इनसे खुशी की आस न, इनमें खुशी है नहीं, आप इनको सुख दो, ये आपको सुख दे, जिंदगी अच्छी कट जाएगी। आप पहले सुख दो फिर ये आपको देंगे, गुड एक्शन गुड रिएक्शन, जब हम इनको सुख देंगे रिएक्शन मस्ट बी गुड। हाँ, कई ऐसे बुद्धू है मेरी बेटियां, पहले वो सुख दे, अहंकार न करो बच्ची, इस मार्ग में अहंकार है सो मारे, आप पहले अपनी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, आप पहले उन्हें सुख दीजिए, लाजमी तौर पर वो आपको सुख देंगे, बस उसके बाद अपने उनके काम आइए, मेरे इनसे और आराम नहीं मिल सकता, बस इतना ही, और पूरी आस अपने भगवान से रखिए, पूरी आस। आप देख लेना मैं आपके पास ही हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, आपके पास रहता हूं, आपका मन टिक जाएगा। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, अब आपका मन ठहर जाएगा। अच्छा, मन की वीवरिंग, मन की टॉसिंग, मन की आवारा गर्दी बिल्कुल बंद, जिसने एक बार मन को समझा दिया, मनवा तेरा कल्याण इसी में है, मन नाम विचारों का है ना, तो ये विचार बार बार दीजिए ना,
जैसे मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, एक आटा चुभ गया ना, हाँ क्या हुआ, मैं यूं जा रहा था, रास्ता तंग था, दोनों तरफ झाड़ियां थी, मैंने बचाया तो बहुत, पर मेरा हाथ यूं ही लगा तो एक आटा अंदर चला गया, तो कोई बात नहीं, इतनी दर्द हो रही है, आप कहते कोई बात नहीं, अच्छा इसका इस झाड़ी का लगा, इसे एक आटा तोड़ लो, तो मैं फिर क्या करूं, कुरेद कुरेद के इस चुभे हुए कांटे को निकाल लो, आय हाय, उसी झाड़ी का कांटा हाथ में लो और जो कांटा अंदर चला कुरेदे उसको, कुरेद कुरेद के निकल आएगा बाहर। अब क्या है, बड़े गंदे संसार के कांटे से भी दुखदाई विचार हमारे अंदर चले गए, भगवान का सुखदाई विचार ले लो और निकाल दो। भगवान के विचारों में बड़ी शक्ति होती है, जिसे आप बोलते हैं पॉजिटिव थॉट इज पावरफुल, और ये नेगेटिव थॉट है संसार के, ये बिल्कुल ही कमजोर है। यही अभ्यास बार बार करो, भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं, भगवान ही आवागमन छुट्टी दिलाएंगे, सदा रहने वाली शांति मुझे भगवान से, वो भी विचार है, वो कैसे विचार है, राग और द्वेष के बेचैन किए हुए हमारे मन में हलचल मचाए हुए गए, ओ मेरी देवियों मेरे सजनों, आप भगवान के विचार, इन्हीं से सुख मिलना है, सुख देने में समर्थ ही यही है, और मुझे कहीं से सुख मिल ही नहीं सकता, इतनी तौफीक या समर्थता किसी में है ही नहीं, ये बार बार कहो टाइम अगेन टाइम अगेन टाइम अगेन, उठाओ नहीं, बस बात समझ आएगी। हाँ बिल्कुल, बार 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 समझाइए मन में, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने अभी कहा था जिस बच्चे के दोनों जेबी में आप कोई खाने की चीज रखती है, हाँ एक तो वो मिट्टी नहीं खाएगा, एक वो दूसरे बच्चे के हाथ से नहीं छीनेगा, क्या मां देख के आप बर्दाश्त करोगे, दूसरे के हाथ का बिस्किट छीन लिया उसने, मैं कहूंगा मिले नहीं मिले, मैं कहूंगा बच्चे में लड़ाई हो रही है कि तुम मिला है तो उसी बच्चे का, पर इसके देख मुंह के पानी आ गया, छीन लिया से, क्योंकि ये भुच्चर है, आपने पाला है मक्खन दे दे के, वो चाह का पाला हुआ पतला सा है, तो इसने खींच लिया, अच्छा लगता है क्या, इसकी अपनी जेबी बनाओ इसके में डालो, तो ये गंदे गंदे विचार संसार के खींचे, वाई वाई नॉट दिस पावरफुल थॉट्स ऑफ गीता जी, अगर आप इसे यूज टू कर दे, यूज टू, पहले यूज टू है नेगेटिव थॉट का, अब हैबिचुअल हो जाएगा इस थॉट, बस बात ले लिया आपने, यूज टू एंड हैबिचुअल, बेटे पहले अभ्यस्त है संसारिक विचारों का, अब क्या हो जाएगा, अब अभ्यास जाएगा, ये शानदार, बड़ी हिम्मत है मेरे देवियों, ये आपके लिए कलयुग में तब कहा गया, संसार के विचारों को बदल के भगवान का विचार रखना, और भगवान का और विचार आप क्या कर रख सकते, इतनी बुद्धि भी नहीं आपकी, यही मेरा कल्याण भगवान से होना है, बस मानो मेरी मेरी इतनी, आप आते और मैं भी केवल आपके लिए बैठा हूं, देख लो आना जाना मेरा नहीं है, कहीं घूमना घुमाना मेरे नहीं है, गाड़ियां आपके लिए हैं, मुझे कोई शौक नहीं गाड़ी में घूमने का जाने का आंकड़े मारने का, मैं कार में जा रहा हूं, मैं उनमें नहीं हूं, एक कमरे में रहने वाला हूं और केवल आपके लिए, आप भी तो अपने पर कृपा करो ना, आप भी दया करो मेरी बेटी, मैं एक कमरे में सारा दिन सारी रात काटने वाला हूं, आप इतनी कृपा करो कि मैं भी इनका रहना सफल कर दूं, बार बार ये पावरफुल थॉट दीजिए, बार बार पावरफुल थॉट, बेटा बेपार हो गया मेरा ही भवन में रहना 24 घंटे आपके लिए सफल हो जाएगा, अगर आपके विचार पलटा खा जाए, और पलटा खा जाती है, क्योंकि भगवान के विचारों बड़ी ताकत, मेरा कल्याण ही भगवान से होना, मेरे संस्कार तेज थे, मेरा मन जल्दी मान गया, आपके संस्कार मेरे से मध्यम है बेटे, आपके संस्कार मध्यम हो, तीन प्रकार की जिज्ञासु होती है, मृदु मृदु, माँ में री दा में छोटे हो की मात्रा, मृदु नरम नरम जिज्ञासु, इतने तेज संस्कार नहीं, मध्यम तेज संस्कार अच्छी है, और एक तीव्र, तीन शब्द मृदु मध्यम और तीसरा मैंने क्या कहा, तीव्र, जरा फिर ध्यान देना भूलना नहीं, आप देखो आपका नाम किसमें है, क्या मृदु है नरम नरम है या आप मध्यम है या आप तीव्र है, शाबाश, क्या अंग्रेजी का बोलू, मृदु मीन डल, अच्छा मध्यम मीन मीडियम, अच्छा और तीसरा जो मैंने कहा तीव्र, इंटेंस इंटेंस, आपका कहा नाम आता है, हे ब्रह्मा भाई, बाबा मध्यम में, चलो शुक्र है मध्यम में आता है, तो बड़ी जल्दी आप इंटेंस में पहुंच जाएंगे, अर्थात तीव्र पहुंच जाएंगे, जन्म उनका नहीं होना जिनका इंटेंस है, जिनके संस्कार जिनके वैराग इंटेंस, इंटेंस मैंने तीव्र वैराग, तीव्र जिज्ञासु, तीव्र साधक, हर पा मध्यम की जन्म होता है, मध्यम कभी मान इधर चला गया कभी इधर आ गया, एक बात बनी, कभी इधर कभी उधर, क्या तू बस जाएगी, कुछ दिन मायके काट आती है, कुछ दिन फिर पीहर में, अब जो जो दिन गुजरे मायके कम गई कर, ए झल्ली लाल कुलली इधर ही रहो, इनको सुख दो, इनको आराम दो, वहां 25-26 साल आ गई है तू,
तेरी बहन और भी बैठी है वहां पर, अब तो ज्यादा टाइम इधर काटो। इसी तरह अब ज्यादा टाइम अब इधर लगाए। हमारी भी तो मंगनी हो चुकी है, किसके साथ? जीवात्मा की, परमात्मा के साथ। केवल वही मंगनी, वो तो शारीरिक मंगनी हुई ना, शारीरिक आपके मंगनी हो गई, शादी भी हो गई, हाँ, लेकिन ये भी जीवात्मा की, परमात्मा के साथ। हाँ हाँ, अभी यहां मध्यम है तो मंगनी हो गई, अगर तीव्र है तो शादी हो गई, और अगर मृदु है तो आंख चाक हो रही है। आंख चाक क्यों जी करनी है कि नहीं, क्यों जी इधर लगना है कि नहीं, क्यों जी तलीन होना है कि नहीं, एक शब्द होता है आंख चाक। अभी सिर्फ आ रहे हैं जा रही हैं, अच्छा मैंने आपका घर देख लिया, आप भी हमारे घर में आना, हमारा भी घर देख लो, अभी यहीं तक। इसे बोलते मृदु। अब मध्यम मंगनी होगी, कुछ आपने सिर मुड़ाया, कुछ मैंने सिर मुड़ाया, दोनों घर में कुछ देना लेना हो गया, या यूं की रिंग सेरेमनी हो गई। अब बात तो तब है जबकि इंटेंस हो जाए, रह न सके, बस मेरा कल्याण इसी से होना, हाय काय हाय काय हाय, मेरी भलाई मेरे भगवान से होनी है, वरना पच पच के मरूंगा। इसे बोलते हैं इंटेंस। इसके लिए मेरे भगवान ने कहा है, सदा मेरा पैगाम, उसे ध्यान, आगे बढ़ो, सिर्फ आंख चाख में न रह जाना, या ये रिंग सेरेमनी ना हो जाए, कई रिंग सेरेमनी हो जाए, कहीं टूट गई, जरा और आगे निकलो, इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, मेरा कल्याण ही इनसे होना, मेरी बेहतरी ही मेरे सजरो भगवान से होनी है, बस। अब इसका अगर आपको मैंने पक्का कर लिया संकल्प विकल्प बन, वो देखो आपके भगवान कह रहे हैं, ना हो उसको ख्याली दुई से कोई काम, या ना उसको फिक्रे चुनाव चुनी, ये अवस्था बनाओ, फिर मैं यकीन दिलाता हूं गीता को छाती पे रख करके, क्या जन्म मरण खत्म है, क्योंकि लगाई थी लव जिससे, आठवां अध्याय दिलो, आपके प्रभु वचन दे रहे हैं, जब तीव्र हो गया तो मन बार बार वही रहता है, बार बार वही रहेगा, बार बार वही रहेगा, तीव्र हो जाए मेरे बच्चे, यानी इंटेंस वैराग्य, इंटेंस साधक या इंटेंस प्रैक्टिस, बात बन गई, अवस्था तीव्र बनाइए। अब ये देखिए, अब आपका काम है, या तो मैं आपके लिए कर लेता, भगवान ने ये नियम नहीं बनाया, बिल्कुल ये नियम नहीं है, साधु को खुद करना पड़ता है। जब भी कभी मन धोखा दे तो भगवान का ये वचन छठे अध्याय का सामने रख लेना, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद उभारे अपने आप को, मेरी बेटी खुद उठे, समझो हमारे से प्रेरणा लो, हमारे से भगवान से शक्ति ले लो, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, जुटना तो आपको पड़ेगा, माँ सब कुछ आपको कर देगी, लेकिन चौके में जाके पकानी तो आपको पड़ेगी, आहा करछी तो आपको पतीली में मारनी पड़ेगी, शाबाश पेड़े आपको बनाने पड़ेंगे, वेलना आपको पड़ेगा, तवे पर इधर उधर उठाना आपको पड़ेगा, मतलब पकना पकाना आपको है। जब ये बात है, आप पक्का इरादा करें कि मैं मन को समझा लूंगा। समझाना क्या है? प्रभु का चिंतन, बस। घर नहीं छोड़ना, दर नहीं छोड़ना, गली नहीं छोड़ी, बड़ा अच्छा, मोहल्ला नहीं छोड़ना, आपने जो बिजनेस है तो बिजनेस जारी रखिए, अगर आप सर्विस करती हैं, क्योंकि भगवान ने तो बड़ी छुट्टी दे दी, मैंने तो इसी शास्त्र में पढ़ा है, बाकी शास्त्रों में ऐसा नहीं आता, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। व्हाट आर यू डू, हाँ अकम्प्लिश दैट, एग्जीक्यूट दैट, सिर्फ भावना बदल लेनी है, व्हाट एवर तो किसी ने लगाया, मिट्टी किसी धार्मिक शास्त्र में यही लिखा, व्हाट एवर यू डू करते रहो, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, जैसा भी कर रहे हो, लेकिन मन को बदल के रख दो, मन में भाव केवल अपने परमात्मा का, वाह वाह, कितना आसान कर दिया भगवान ने, गीता ने तो ये मार्ग मेड इजी कर दिया, मैं कसम खा के कहूंगा गीता का अभ्यास मेड इजी, जैसे हम लोगों ने बुक होती थी जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या उसके सार निकाल के रख देते थे, आम तौर पर पेपर उसी में से ही आते थे, मेड इजी, हमारे यहां गर्मा गर्म बिस्किट की तरह बिकती थी ये किताबें। तो गीता क्या है? लाइफ मेड इजी। मैं बोलू कि देखो क्या कह रहा हूं, लाइफ, देखिए मेरे शब्दों को गलत ना समझना, ओ यंग मैन, मैं LIFE कह रहा हूं, WIFE नहीं कह रहा, मैं लाइफ कह रहा हूं, वाइफ नहीं कह रहा, लाइफ मेड इजी, बेटी होए, लाइफ मेड इजी, वाइफ मेड इजी हो ही नहीं सकता, अगर वाइफ और हस्बैंड में दोनों में ये विचार हो जाए, फिर भी क्या होगा, लाइफ मेड इजी, मन आएगा लाइफ कितनी, आएगा लाइफ क्या, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, हमारी जिंदगी पेचीदगी से भर गई है, हमारा जीवन जटिल हो चुका है, इसलिए आज सारों को एक बीमारी लग गई जिसका डॉक्टर कहते हमारे पास कोई इलाज नहीं, सारी मेरी बेटियों को बीमारी के मुझे छोड़ करके सबको बीमारी लग गई, टेंशन,
कोई इसकी कैप्सूल नहीं, कोई इसकी गोली नहीं, कोई डॉक्टर के पास टीका नहीं। सीधा जवाब देते हैं डॉक्टर साहब, मेरे पास ऐसी कोई टेंशन, कोई बीमारी नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है। टेंशन, ये टेंशन क्या है? तनाव, खिंचाव, दुविधा, इससे इंसान बड़ा आपका नुकसान करता है। टेंशन का सबसे पहला जो रिएक्शन होता है आपका ब्लड प्रेशर हाई। चलो फिर आगे और मरो, और आगे बीमारियां, और आगे बीमारियां और निकल जाएगा। और अगर आप मेरे महाराज जी के विचार रख ले, लाइफ मेड इजी, जीवन बिल्कुल सरल बन जाता है। आजकल सरल नहीं है, बोलो मेरे बेटे, सरल का विपरीत आर्थिक विरल। हाय हाय, बड़ा प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, विरल जीवन। और अगर महाराज जी के ज्ञान को ले ले, सरल जीवन, दो दिन काटते हैं सरल कट जाएंगे। सरल, रात को कहा जाता है सरल भोजन होने चाहिए, मूंग की दाल, जो जल्दी रात को सो लेट जाना होता है। अच्छा, तो विरल ना हो, दिन में आप विरल कर लो, मांस की दाल हो गई और उसमें आप देहरादून वाले डाल लेती है राजमा, एक राजमा और सख्त, एक मांस की दाल और भी साबत, दोनों मिला के दिन में कोई बात नहीं। दिन में भागना दौड़ना, आना जाना, फिरना फिराना है। और अगर माँ दीदी ने रात को ले लिए तो खतरा है, दर्द पे होती है और बाई और हो गई है, तो रात को क्यों खाए? ये तो बड़ी सख्त है, ये तो विरल सब्जी है, विरल चीज है। इसलिए हमें शास्त्र कहता है आयुर्वेदिक, रात को सरल भोजन होना चाहिए, रात को परोठी नहीं खानी चाहिए, वरना अपने बीमारी बुला लो। रात को बस फूल में फुलके, कितना अच्छा कहा गया, आप सियाने सब जान गए। इसी प्रकार जीवन सरल क्यों ना हो, किनका सरल? जो भगवान जी को अपने साथ रख लेते हैं। मैं बार बार कह दूंगा, एक भी मेरा स्वास्थ्य रहेगा और मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, भगवान को अपने साथ रख लो। बस पहले भगवान की याद को रखा जाता है, फिर भगवान के उपदेश को रखा जाता है, फिर भगवान खुद कहती है कभी मैं उसे, यही आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के चला जाऊंगा मैं, इसलिए मुझे भेजा गया यहां पर, मैं चला जाऊंगा मेरी बेटी, पहले ये याद कर लो। फिर तो महाराज जी खुद कहती है, जिसके मन में मेरे प्रभु की स्मृति बनी, जान लिया मन को, जिसने बता दिया, इनकी बिना चारे कोई नहीं, इन चीजों से क्या प्यार करूं, क्या ये तो जा रही है, इन चीजों को क्या करूं, ये तो भागती जा, ये बात बिठा लीजिएगा बस। अब क्या होगा देख रहे, जैसे मेरी छाती में, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में, मेरे चित्त में और मेरी बुद्धि में बैठ गया है और हर समय ऐसे चल रहा है, हर समय मेरी वृत्ति में माला नहीं पकड़ता, कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, मैं अंदर का बता रहा हूं, अपना अपनी नक्शा मन अपने आप उसे ध्यान में लगा रहता, जिसे नेचुरल टेंडेंसी सिर्फ विचारों को बदल दे दिए, केवल विचारों को, नाउ इट बिकम्स नेचुरल टेंडेंसी। माने तो सोचना था, अब ये सोचना शुरू, कितनी अच्छी बात हो गई, वो गंदा मंदा नहीं सोचेगा, ये सोचना शुरू कर देगा। बेटी ये सोचेगा, भले आपका नारी का चोला है, भले आपका तन नरम मन नरम है, लेकिन बुद्धि तो रब ने दी है, बुद्धि को अंग तो ये होती है, यहां जिसे वो अंग्रेजी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये वेन में नाड़ियां, ये समझ की नाड़ियां, तो ये तो समझ सकते हैं हम कि मेरा कल्याण ही भगवान में है। इस संसार के साथ तो व्यवहार करना है, संसार के साथ व्यवहार करना है, संसार का इतबार नहीं करना। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, दो शब्द पकड़ लो और अपने अंतःकरण में रख लो, संसार के साथ व्यवहार करना है, संसार का इतबार नहीं करना। संसार डिपेंडेबल नहीं है, संसार डिपेंडेबल नहीं, रिलायबल नहीं, अंग्रेजी के दो शब्द डिपेंडेबल एंड रिलायबल, संसार विश्वसनीय नहीं, अवलंबनीय, अवलंबन सहारा, तो नहीं अपना सहारा लेने योग्य, संसार अवलंबनीय नहीं, विश्वसनीय नहीं, तो क्या है संसार? तो कर्म करने योग्य। हमारी गीता जी शुरू यहीं से होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अपनी कर्म भूमि में को धर्म में बदलते जाओ, ये तो कर्म क्षेत्र है काका, और विश्वास क्षेत्र, दो ही क्षेत्र दुनिया में है, कर्म क्षेत्र, विश्वास क्षेत्र, विश्वास क्षेत्र भगवान जी, कर्म क्षेत्र संसार। या तो हम कर्म, मेरे से एक एक बात क्लियर कर लो, आपका धर्म गीता में न रह जाए, आपका धर्म ग्रंथों में न रह जाए, वो धर्म हमारे अंतःकरण में आ जाए। धर्म का मतलब ही यही, हमारे अंतःकरण में उतरे, हमारे अंदर आए। रंग का मतलब ये थोड़ा डब्बियों में रंग पड़ा रह जाए, कमले से कभी सलवार रंग लेकर, कभी कपड़ा रंग ले, रंग का मतलब ही रंगो, ना के डब्बियां भरी रह जाए, कभी कोई चीज रंग ली, कभी कोई चीज रंग ली,
तो धर्म का मतलब ही यही है, मेरी बुद्धि में आ जाए, मेरे मन में आ जाए, मेरे चित्त में आ जाए, मेरे कर्मों में आ जाए, देन इट मस्ट बी कॉल्ड धर्म। धर्म कीपिंग नहीं होता, अंग्रेजी बोल रहा हूं बच्चे, धर्म नॉट कीपिंग, धर्म अप्लाइड। हाय हाय हाय, गुरुदेव ने हर चल बचा दी मेरे मन के अंदर, हमें समझ नहीं थी, बुद्धू और गुग्गू बने हुए थे। धर्म इज नॉट कीपिंग है, ये छोटे डब्बे प्लास्टिक के बच्चों के आती हैं रोटी ले जाने के लिए, अंदर एक खाना बना होता है, एक इधर सब्जी रखने के लिए छोटा खाना प्लास्टिक के बने होते हैं, और एक इधर फुलके रखने के, दो तीन फुलके बच्चे ले जाते हैं, ऊपर लिखा होता है कीपर। कभी आपने नोट किया तो कीपर, कीपर नंबर 1 2 उन्होंने बना रखे होते हैं, छोटा कीपर, बड़ा कीपर, 3 4 प्रकार कीपर होते हैं कीपर। हाँ, तो जिसका धर्म जो कीपर नहीं है कि ग्रंथों में रख छोड़े, या पंडित अपनी बुद्धि में रखकर रोटियां कमाए तो अपनी गृहस्थी चले, वो धर्म कीपर नहीं है। धर्म क्या है? अप्लाइड है, जो हमारे दैनिक बुद्धि में आए, मन में आए, कर्मों में आए। धर्म व्यवहारिक होता है, हाय धर्म बौद्धिक नहीं होता। मुझे जानकारी हो गई है और मैं अपनी गृहस्थी से आम, अब ये धर्मों में, धर्म स्थानों में धर्म सिर्फ एक रोटी कमाने का तरीका बन गया। महापाप, महापाप, बेटी बड़ा भारी पाप मानता है हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, कि रोटी कमाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए। धर्म, धर्म तो व्यवहार चलाने के लिए था कि मैं नेक बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अपना परमार्थ बनाऊं। परमार्थ बनाने का साधन, एक शब्द बोलो, परमार्थ बनाने का साधन इज इक्वल टू गीता धर्म। परमार्थ बनाने का साधन, इसलिए मैं कह रहा था दिस इज अप्लाइड धर्म, नॉट कीपिंग धर्म। जैसे आजकल चल रहे धर्म स्थानों में, ये तो अप्लाइड है बुद्धि में, मन में, तन में, हमारे कर्मों में आ जाए। धर्म होता ही यही है, और केवल धर्म के बारे में जान लिया, अपनाया नहीं, उसे क्या बोलते हैं, चाहे अंग्रेजी बोल दो चाहे हिंदी बोल दो, अपनाया नहीं, हाँ केवल जानकारी कर ली, बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान कोई बोलती है दार्शनिक विद्या, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं फिलॉसफी है। ऐसी जानकारी मेरे से ले लो, केवल बौद्धिक ज्ञान है, हाँ इसे फिलॉसफी कहेंगे। उसी फिलॉसफी को आप जीवन में उतार रही हैं, इसी को धर्म कहते हैं। हाय मैं कुर्बान, हाय मैं कुर्बान। फिलॉसफी और धर्म में क्या फर्क होता है? धर्म प्रैक्टिकल होता है, और जो है फिलॉसफी ये थ्योरेटिकल होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज फिलॉसफी, प्रैक्टिकल नॉलेज धर्म, जिसे हम रिलीजन कहेंगे। रिलीजन वो होता है जो हम व्यवहारिक रूप दे रहे हूं, हाँ, और बुद्धि में रखा है, केवल जानकारी हो गई, दैट इज फिलॉसफी। थ्योरेटिकल ज्ञान, इसके विपरीत अर्थ क्या है जी? प्रैक्टिकल ज्ञान। अच्छा, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? परोक्ष ज्ञान। फिलॉसफी को बोलेंगे परोक्ष ज्ञान, अपना लिया गया तो अप्रोक्ष ज्ञान। जरूरत इस समय है हमें जो है अप्रोक्ष ज्ञान की। धर्म जो हमारी बुद्धि में, मन में, तन के कर्मों में आ रहा हो, वक्त की मांग हमारी, हमारे लिए मांग यही है, वरना पखंडी कहलाएंगे। जानकारी तो है, अपना तो नहीं। इन्होंने बड़ा सख्त शब्द बोला है, ये कहते मैं इतना नहीं कहना चाहता, मैं और आगे बढ़ता हूं। बड़ो बड़ो हमारे दैवी पिता, वो कहते वो भारवाही गर्दभ है, बोझ उठाने वाला गधा, जिसे शास्त्रों के बारे में पता लग गया, अपनाता नहीं। गधे को पता कोई होता मेरे ऊपर सोना लदा हुआ या चांदी, वो इससे मर रहा है, वैल्यू का पता नहीं। इस तरह आजकल के ब्राह्मण प्रचारक, वो इससे मरे जा रहे हैं लेकिन अपनाते नहीं। कितने दुख की बात। भारवाही क्या होता है? भारवाही का मतलब बोझ उठाने वाला, आगे गर्दभ गधा, जो लेद और ढीचू ढीचू करता है। क्या शब्द कहां से निकाल दिया इन्होंने, भारवाही गर्दभ। भारवाही गर्दभ को बोले टट्टू, जो बहुत बोझ उठाए वो टट्टू। आजकल के व्यक्ति टट्टू बने हुए हैं धर्मस्थानों में, टट्टू में बड़ी जानकारियां बोलते हैं। हमके पंडित जी अपनाया अपनाने वाले तो कोई और होंगे, हम तो रोटी खाने वाले हैं। लो आपकी बात में नहीं, धर्म तो होता है, धर्म तब कहलाए जब अपनाया जाए। अब जुट जाओ, लग जाओ, आपकी मांग यही है, अपनाओ, मैं टट्टू ना बना रहूं, मैं केवल भारवाही गर्दभ ना बनूं, बल्कि अपने जीवन में उतार लू, फिर क्या हो जाएगा, लाइफ वेरी इजी, जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है, बिल्कुल सरल। अब इतनी बात समझाइए, मैं बड़ा जोर कई दिनों से दे रहा हूं, हमेशा चिंतन भगवान का, चिंतन ही करना है भगवान का करे। जैसे मेरे का बेटा और पिता रोज आ रहे हैं, कैसे तरीके से बाप ने छुड़वा दी शराब, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने घटना सुनाई। क्या ये बोतलें बना बना के अपने यूज की, कभी संतरा, कभी अनार,
कभी मौसमी, कभी और, ये इतनी जब भी बच्चे दिल करता है बच्चे ये लो, लो बच्चे एक गिलास ले ले, एक गिलास ले ले, छोड़ चुका है। बाप की बड़ी भारी मेहनत और बड़ा भारी खर्चा करने के बाद बच्चा शराब छोड़ दे, उसे ये जूस पीने का रस हो गया, शाबाश। अब इनको एक ने बताया और भी जूस का खर्चा खत्म हो गया। जब भी बच्चे को आता है दिल करता है ये एक लौंग मुंह में रख लेते हैं, सिरगड़ भी एक लौंग से छोड़ा जाता है, क्योंकि गरमाइश आपने अंदर दी है तो कुछ दिनों के लिए लौंग एक चूस लिया करो, चल छुट्टी, शाबाश। आदत वो थी, आदत ये डाल दी, ओए 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 ओए, शराब पीने की आदत, अब क्या होगा जूस पीने की आदत, वेरी गुड। इसी तरह संसार चिंतन करने की आदत नहीं, अब हमने क्या भगवत चिंतन करना, यही तो ऐसे स्थानों का लाभ होता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। क्या हमने सिर्फ आकर के परिवर्तन करना है और कुछ नहीं, कहीं बुद्धू बने हुए ये छोड़ दे वो छोड़ दे, बुद्धू भगवान के साथ कुछ ना छोड़ो, सिर्फ एंगल ऑफ व्यू बदल दो, दृष्टिकोण टू बी चेंज, दृष्टिकोण में रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए। ऐसा कर लेने बच्चे तो इतने त्याग करके आती है हर समय भगवान का चिंतन, बस कल्याण मेरे मालिक मेरे पे बड़े खुश होंगे, पहले मेरे पे खुश होंगे फिर आप पर है, चूंकि मैं आप में वाणी का बीज डालने वाला किसान हूं, फिर आप जैसी धरती भी भगवान खुश हो जाएंगे। आप इतना कर लो कि मैंने चिंतन करने योग भगवान जी है, हम इनका चिंतन करेंगे तृप्ति होनी कोई नहीं, इनके साथ राग द्वेष हो जाएगा, जीवन गंदा कटेगा, अगला जन्म फिर तैयार, हाय 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 हाय। और भगवान का चिंतन करें, न राग न द्वेष न काम न क्रोध न लोभ, मन में क्या रहेगा भगवान के चिंतन करने से, मैंने कई बार बताया, सबसे पहले विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा पहुंचकर जहां से न लौटे, फिर जीव जन्म मरण चक्कर आजमा लेने, मेरी बेटी आजमा रहे हो जल्दी कर लो। आप यूं कहते मेरा अभी चिंतन नहीं हुआ, थप्पड़ मारना चाहिए अपने पर कि इतनी देर से मैं यहां आई हूं, बड़ी मुद्दत से मैं आ रहा हूं, अभी मेरी चिंतन नहीं भगवान ने, है तो सही लगातार नहीं, क्यों थप्पड़ मारा कर जोर जोर का अपने को, क्यों नहीं, जब बात कल्याणकारी यही और बात ठीक भी यही और कह भी मेरे नारायण जी रहेंगे, मेरे परम हितैषी कह रहे हैं, दी बेस्ट वेल विशर, मेरे भगवान जी कह रहे हैं दी बेस्ट वेल विशर, परम हितैषी भगवान जी हमारे कह रहे हैं, माँ बाप गुरु हितैषी होते हैं, भगवान के लिए क्या शब्द लगता है परम हितैषी, ये भगवान के लिए शब्द लगा हुआ जी, और किसी के लिए लगाना, देवी देवता के लिए नहीं, भगवान हमारे परम हितैषी है, बाकी हमारे हितैषी अनेक है। परम हितैषी हितैषी में क्या फर्क है, हितैषी हमें संसारिक चीजें दे देती है, संसारिक सुख देती है, भगवान में परमार्थिक सुख दे के अपने में एक में कर लेती है, हमारे पर जन्म मरण नहीं होता, ये तो फिर परम हितैषी कर सकता है, बाकी माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है। ऐसा समझा लो ना अपने आप को, मनवा तेरी सारी गति बन जाएगी भगवान के चिंतन, लो कितनी मौज की बात मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवी हो, ओ मेरी माता हो, मेरी कल्याण कामी देवी हो, केवल भगवान का चिंतन। लो आप कहते भजन क्या है, जाप क्या है, जाप क्यों, वो करती हैं तो हम मरती हैं, दुखी होती हैं, उनमें गंदी वृत्तियां आ जाती हैं। आप करो जरा माँ को याद, ना मोह बढ़ गया तो फिर कहना, करो जरा पिताजी को याद, ना आपकी स्नेह बढ़ गया तो फिर कहना, करो बहन भाइयों को याद, ना ममता बढ़ी तो फिर कहना है। संसार के किसी भी रूप का चिंतन करेंगे कोई ना कोई गुण साथ मिलेगा, करो पत्नी की याद, ना शारीरिक प्यार बढ़ा तो फिर कहना, करो पति देव को याद, यहां से थोड़ी बात बनेगी, शारीरिक प्यार बढ़ जाएगा, हर पा मेरे यहां शरीर प्यार में वासनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, मोह हम बुरी तरह। आप संसार किसी को चिंतन करो याद, सात वृत्तियां ना आती फिर इनके याद करने में कोई दुखी कोई नहीं, चाहे किसी को याद करो, लेकिन जब करती है तो ये वृत्तियां साथ आती है, तवा मरती है, और इधर अगर भगवान का चिंतन करती है विवेक वैराग भक्ति आ जाती, आहा हा इस तरह आप मन को समझाते रहो कि मनवा उनके चिंतन में नुकसान ही नुकसान है और भगवान के चिंतन में लाभ ही लाभ, इस लोक में भी लाभ परलोक में भी लाभ, इस तरह क्या हो जाएगा आप प्रभु का चिंतन जान, हमने ऐसे ही समझा दिया है, आप भी समझा लो बेटे, जाप क्या क्यों कैसे, मैं आज यही प्रकाश डाल रहा हूं कैसे, केवल युक्ति से समझा लो, कोई भी युक्ति लगा लो अपने पर, मैंने हर समय करना ही, मेरा कल्याण इसी में, मेरी भलाई इसी में है, एक बार मन में समझ आया बस, कैसे का मतलब अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार समझा, अभ्यास का मतलब समझाना, अभ्यास का मतलब मनन करना, अभ्यास का मतलब गुण दोष दिखाने, आप उसे दिखाइए यूजेस एंड अब्यूजेस, जैसे आपने अपने मैट्रिक में बीए में
कॉलेजों में सिनेमा के लिखे सिनेमा आते थे ऐसे सिनेमा यूजर्स एंड अब्यूजर्स, अर्थात उसकी लाभ हानि क्या है, सिनेमा के जो है गुण दोष क्या है, गुण दोष इसलिए मन को समझाओ संसार के चिंतन में गुण दोष क्या है, गुण एक भी कोई नहीं, कोई एक भी हो तो मुझे बता दो, हर बार मैं बड़ा ही आपका कृतज्ञ होऊंगा, संसार के चिंतन में कोई एक गुण हाय कितनी ये एक चैलेंज की बात है जो मैं आपको दे रहा हूं है, संसार के चिंतन में एक भी गुण कोई नहीं और भगवान के चिंतन में एक भी हानि नहीं है, लाभ ही लाभ दोनों उल्टे हुए पड़े हैं, संसार के चिंतन में अवगुण ही अवगुण, देख लो आप अच्छी जमीर वाले गए विचार कर लो अवगुण ही अवगुण और भगवान के चिंतन में गुण ही गुण, वाह वाह ऐसा समझाइए बार बार अपने मन को कहिए मनवा आप भी तो संसार का चिंतन करेगा, कदापि नहीं कदापि नहीं कदापि नहीं, केवल अपने प्रभु का चिंतन में मैं लग जाऊंगा, ये हो गया कैसे, फिर गुण दोष दिखाइए, अगर नहीं तो इसके मतलब बुद्धि में नहीं बैठी बात, फिर दिखाइए बस बैठ गए, फिर आपका यह आना सफल हो गया, कब जिसकी ये अवस्था बन गई क्या सदा मेरे गुण वो गाते रहे, जब भगवान का चिंतन जारी हो गया वह आपकी बिल्ली बन गई, इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे जिसके चिंतन में भगवान जी आ गए मानो भगवान के द्वार पर खड़ा हो गया है, वो मेरी देवी भगवान के द्वार पे खड़ी हो गई जिसके चिंतन में भगवान जी आ गए, वो बड़ी जल्दी तलीन हो जाओगे, फिर छठा अध्याय कह रहा है ख्याल उसके वश में मन मह मैंने तलीन जात मैंने परमात्मा, वो परमात्मा की जात में तलीन हो गया, ये था आपका प्रश्न जाप क्या क्यों कैसे, हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीष, अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे, दास जनों के अवगुण।
पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।